तो चुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव के खत्म होने के दूसरे दिन से ही छत्तीसगढ़ के नेताओं ने दूसरे राज्यों में मोर्चा संभाल लिया है। अन्य राज्यों में अपनी एड़ी चोटी की जोर लगा रहे हैं। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ से सटे होने के कारण इन राज्यों में छत्तीसगढ़ की अच्छी पैठ मानी जाती है और यहाँ भाजपा नेता छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसी वजह से छत्तीसगढ़ के नेताओं का सबसे ज्यादा दौरा इन्हीं राज्यों में दिखाई दे रहा है। तो वहीं कांग्रेस उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में फोकस कर रही है। तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस भी जीतने के लिए दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार कर रही है। तो आप ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक तरफ भूपेश बघेल हैं जो चुनाव प्रचार में जुड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विष्णुदेव साय, वो भी लगातार ओडिशा का दौरा कर रहे हैं। पार्टी चाहे किसी भी प्रदेश का कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, एक कार्यकर्ता के तौर पे ही काम करता है। छत्तीसगढ़ का हमारा चुनाव संपन्न हुआ तो छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता गण हैं पार्टी को जिताने के लिए और देश में सुशासन, देश को कैसे समृद्धशाली बना सके उसके लिए मोदी की गारंटी जरूरी है। एक एक सीट लोकसभा की वहाँ जीतने की पूरा योजना बना करके हम सब कार्यकर्ता जुटे हैं और इस निमित्त से हम सब काम कर रहे हैं। तो इस खबर पर मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, एक के बाद एक बीजेपी के बड़े नेता, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों के बड़े नेता ओडिशा, हरियाणा, यूपी, हर जगह दौरे कर रहे हैं, तो क्या समझा जाए, बीजेपी एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती इस बार लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल, देखिए, एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती और ये भी नहीं चाहती है कि किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को हार मिले। इसीलिए छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न होने के अगले दिन ही यहाँ के तमाम नेता दूसरे राज्यों के दौरा करने के लिए पहुँच गए और सबसे ज़्यादा जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उड़ीसा और झारखंड में दिखाई दे रहा है। और उड़ीसा और झारखंड छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। बस्तर के आगे जाएंगे तो आपको उड़ीसा मिलेगा और झारखंड मिलेगा और यहाँ के जो नेताओं की पैठ है इन राज्यों में भी मानी जाती है। यही सीमावर्ती जो तमाम क्षेत्र हैं वहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद झारखंड में प्रचार कर रहे हैं, उड़ीसा में लगातार प्रचार कर रहे हैं, कल भी प्रचार के लिए रवाना होंगे। दोनों ही उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम उड़ीसा पर जमे हुए हैं, उड़ीसा में वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंहदेव, वो झारखंड में प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों को दोनों राज्यों में बांट दिया गया है, दोनों ही राज्यों में अलग अलग कैबिनेट मंत्री प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेसी नेताओं का भी मावड़ा उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जहां चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे 7 से ज्यादा विधायक भूपेश बघेल के साथ जते हैं, डटे हैं। इसके अलावा हरियाणा पर भी कई पूर्व मंत्री विधायक जो है वो डटे हुए हैं। बिल्कुल रोहित, तो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही मौके नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए भूपेश बघेल या फिर विष्णुदेव साय, मोहन यादव लगातार दूसरे दूसरे राज्यों का दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए रोहित, आपका शुक्रिया।